हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा CHYT वर्सेस, गाइस बहुत ज़बरदस्त मैच जो होने वाला है CHYT वर्सेस TNJ के बीच 1:53 के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करो एंड गाइस ज्वाइन हो जाओ। ये हैं प्रीवियस मैच के स्क्रीन शॉट्स, जिसपे कि अल्ट्रा विनिंग हुई है हम लोगों की। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरे नाम के काफ़ी फेक चैनल्स खुल रहे हैं टेलीग्राम पे, तो सो बी अवेयर फ्रॉम देम। तो चलते हैं आगे। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो CHYT वर्सेस TNJ के बीच जो मैच होने वाला है, इसमें मेरी टीम किसी को फेवर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि किसी के फेवर में जाना मत, क्योंकि CHYT भले स्ट्रॉन्ग हो या TNJ हो, लेकिन इस मैच के अंदर कोई भी प्लेयर गोल कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बात करूँगा गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर्स का नाम है T-Shankan। तो T-Shankan को तो लेना बनता है, पिछले मैच में इसका ड्रीम टीम में नाम आया, भले ही इसने 12 पॉइंट दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गाइस प्रीवियस मैच के अंदर ओपोनेंट टीम ने 6 गोल कंसीडेड कर दिए थे, 6 गोल्स कंसीडेड किए थे इसी टीम को, जिसका नाम है TNJ। इसलिए मेरे को बड़ी शर्मनाक बात लग रही है कि इनका गोलकीपर इतना कमजोर कैसे, लेकिन ड्रीम टीम में नाम आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप GL खेलोगे तो आपको उल्टा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और आगे से बात करूँ गाइस डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा फर्स्ट प्लेयर सन जी को मैं इसलिए ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिलेक्शन नहीं देखता, भले इसकी सिलेक्शन 75% हो या मेरी तरफ से हो ही ना, पर SG को मैं 100% अपनी टीम में लूँगा। आगे से बात करूँ CK की, तो मुझे लगता है CK को आज इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अपनी टीम का काफ़ी बढ़िया डिफेंडर है। बढ़िया इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन ये अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। ZU की बात करूँ तो जैंग यू ओवरऑल हर मैच खेलता है, लेकिन आज इसको, इनके पास डिफेंडिंग ऑप्शन बहुत है, शायद इसको नाच भी खिलवाएं, लेकिन अभी के लिए आप 7 वेट करो, फाइनल टीम में आपको पोस्ट कर दूंगा, अगर कोई प्लेयर ना खेले तो टेंशन मत लेना। और आगे से बात करूंगा इस नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है जी ज्योरन को मैं इसलिए ले रहा हूं, पिछले यही पॉइंट्स देंगे, अगर आप उम्मीद करते हो इनसे 60-70 पॉइंट की तो गलत है, 17 पॉइंट ही देंगे, बिकॉज इट इज़ चाइनीज सुपर लीग, इसको प्रीमियर लीग से कंपेयर मत करो। और आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जे इलोकी गोल करेगा, पर कैसे करेगा एज अ सब्स्टिट्यूशन, ये मेरे को नहीं बोला था एक्चुअली, मतलब ये मैंने आपको नहीं बोला, क्योंकि जे इलोकी जो प्लेयर है, ये एक पिछले मैच में सब्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि आज ये प्लेयर एज अ सब्स्टिट्यूशन ना आए, एज अ प्लेइंग 11 आए, तो हम इसको अपना वाइस कैप्टन रखेंगे। बी डन की बात करूँ गाइस, बी डन प्रीवियस मैच के अंदर TNJ के खिलाफ, सॉरी SHGP के खिलाफ सिंगुलर असिस्ट करके गया था, जो कि इसने बहुत ही बढ़िया असिस्ट की थी, मतलब गोल से बढ़िया असिस्ट लगी थी मुझे इस प्लेयर की। सर्जिनो की बात करूँ तो सर्जिनो इज़ द मेन पावर ऑफ द टीम, जो मर्जी प्लेयर छोड़ देना, लेकिन सर्जिनो को गलती करके भी मत छोड़ना, बहुत अच्छा समझा रहा हूँ कि सर्जिनो को ज़रूर लेना आपने। सी पॉल यांग की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कहते हैं, अगर आप चाहें कि 5 डिफेंडर लेना तो एंड यू कैन टेक, अगर आपको सी पॉल यांग को निकालना है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, लो सेलेक्टेड राइट हैंड साइड मिडफील्डर कर देते हैं गोल, और ये प्लेयर लो सेलेक्टेड मिडल मिडफील्डर है, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा करेगा। आगे से बात करूँ स्टेट फॉरवर्ड की, टी लॉन्ग को लूँगा, टेन लॉन्ग जैसा नाम भाई वैसा काम भी करना जानता है, एक्चुअली टी लॉन्ग को ले सकते हो या एरिक को, इन दोनों में से कोई एक भी खेलेगा तो मैं उसमें चुनूंगा, अगर ये दोनों खेलेंगे तो दोनों को चुनूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं लॉन्ग के साथ हूँ। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है SYUNG, अगर आपने यूनजी को जगह एरिक को ट्राई कर सकते हैं, अगर क्रेडिट मेंटेन कर सकते हो तो ले सकते हो, बट अभी मेरे पास क्रेडिट इशू है तो मुझे यूनजी के साथ जाना पड़ा। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा गाइज मेरा टी लॉन्ग, और मेरा वाइस कैप्टन रहने वाला है गाइस जे इलोकी, लेकिन इलोकी का पता नहीं है खेलेगा कि नहीं, सो प्लीज़ वेट टिल एंड। तो मिलता हूँ गाइस अगली वीडियो में, बाय।